शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिन पिंड खटकड़ कलां विखे मनाया गया, जिस विच पंजाब दे कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा, नवांशहर दे साबका एमएलए गुर इकबाल कौर बबली, डीआईजी लुधियाना रेंज आर एस खटड़ा, शहीद भगत सिंह नगर के डिप्टी कमिश्नर विनय बबलानी और सारा जिला प्रशासन ने पहुंच के शहीद आजम के जद्दी पिंड खटकड़ कलां विखे उन्होंने बुत से श्रद्धा के फुल भेट किए और श्रद्धांजलियां भेट की। इस मौके से जबर विरोधी संघर्ष कमेटी के प्रधान जसवंत सिंह पार्टा की अगुवाई मैंबर वालों श्रद्धा के फुल भी भेट किए गए। कैबिनेट मंत्री राम सुंदर अरोड़ा ने कहा कि तिना शहीदां दी शहादत अजीम है, जिस तो प्रेरणा लैके देश लई कुछ करन दी भावना पैदा हुंदी है। अज असीं उस महान योद्धा दे स्थान ते खड़े हां, अज उस करम अज उस पवित्र धरती ते खड़े हां और इस पवित्र धरती नूं मैं नमन करन आया। पंजाब सरकार वल्लों नमन करन आए हां। अज तकरीबन 88 साल हो गए इस गल नूं और अज भी जिहड़ी उन्होंने देश के लिए जी कुर्बानी साढ़े नौजवानों जोड़ा एक मैसेज दिता, मैं कह सकता कि अज भी नौजवानों के उन्ना ही जोश है और जी इन्हें कुर्बानी सी सरदार शहीद आजम साहब भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की साढ़ा जोड़ा नौजवान वर्ग है उस तरह ही अच्छ प्रेरित हो रहा उन्होंने तो। अगर अच्छी पंजाब सरकार के मान योग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जोड़ा असी पंजाब नशे बाहर क्ढन का ज नशे खत्म करन का जोड़ा प्रोग्राम देखा वो भी मान योग मुख्यमंत्री साहब ने पिछले साल जदों सारी जी इतनी बनी है चीज़ जदों दुनिया में समर्पित की 2018 के डेपो प्रोग्राम भी इतों शुरू किया कि सरदार शहीद आजम भगत सिंह जी ने उद्देश लैके इतों प्रेरणा लैके जोड़ा साडा पंजाब का नौजवान है एक देश भगती बन जुड़ेगा, पंजाब साडे देश की एकता और अखंडता लिए जुड़ेगा। सब्सक्राइब करें चढ़दी कला टाइम टीवी को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।